मेरे सभी प्रिय बंधुओं को नमस्कार। सावन के महीने में पौधों की हरियाली देखने लायक होती है। अभी तक मैं आप लोगों को अपने थर्ड फ्लोर के क्यारी को दिखाई थी, आज मैं अपने ग्राउंड फ्लोर के कुछ चुनिंदा पौधों से मिलवाती हूँ। आ जाइए फटाफट मेरे साथ। सबसे पहले मैं अपने लंबू से मिलवाती हूँ। ये मेरा लगभग 1.5 फुट का गमला है और इसमें मेरा ये रबर प्लांट 12 फुट का अपने आप में बहुत खूबसूरत, ये मेरे छत को, ग्राउंड फ्लोर के छत को छूता हुआ नज़र आ रहा है। अब मैं आप लोगों को अपना क्रिसमस ट्री, इसको देखने के लिए अपना सिर ऊपर करना ही पड़ता है, अपने आप में पंचमुखी छतरी की तरह बहुत खूबसूरत लगता है। आप लोग एयरपोर्ट पे चंपा के पौधे को देखे होंगे, यह मेरा गमले में लगा हुआ चंपा का पौधा फूलों से लगा रहता है, खुशबूदार इसमें फूल आते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसकी लंबाई से आप अनुमान लगा रहे होंगे कि गमले का पौधा कहते नहीं बनता है, बहुत ही अच्छे पौधे लगते हैं। मैं आप लोगों को अपने घर के दो चौकीदारों से मिलवाती हूँ। ये गमला आप देख पा रहे हैं, मेरी बिटिया लवली इसको मंडल आकृति में पेंट करी है। इसमें मेरा साइकस लगा हुआ है, इसमें साल में एक बार पत्ते आते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। यह पौधा आप देख पा रही हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब इसके दूसरे मेरे जोड़ीदार घर है, जो कोई आता है इन पौधों के पास आके ठहर सा जाता है, जैसे लगता है पौधे अपने आप में कुछ कह रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अब मैं कुछ शो प्लांट्स आप लोगों को दिखाती हूँ। इधर मेरा क्रिसमस ट्री छोटू सा, ये बाद में लगा है। फिर ये देख पा रही हैं, ये शो प्लांट्स मेरा बिल्कुल छतरी की तरह, इसके पत्ते देखिए बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये मेरा शो प्लांट्स है। अभी हाल में 2-3 दिन पहले मैं कुछ पौधों को लगाई हूँ, अभी 1-1 हफ्ते बाद ये फूलों से लद जाएंगे। अगले वीडियो में मैं फूलों से लदा हुआ आपको ये सब गमले दिखाऊंगी। ग्राउंड फ्लोर का शहर आप लोगों को कैसा लगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में जाके 2 लाइन लिखकर जरूर भेजना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसी के साथ मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।